ये है प्रिंगल्स। आज होगा इसका, क्या होगा इसका आज? आज इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग सेरेमनी। इसको आप लोगों के सामने बेनकाब किया जाएगा कि इसके अंदर क्या है, ये आप लोगों को दिखाया जाएगा आज कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये आप लोगों को दिखाई जाएगी आज कि ये प्रिंगल्स के नाम पर आखिर बेचा क्या जा रहा है, ये बताया जाएगा आज आप लोगों को। कहीं आप लोगों के साथ कोई धोखा तो नहीं किया जा रहा है? तो इसका खुलासा करते हैं हम इस वीडियो में। चलिए ओपन करके दिखाइए इसको, अकी मैन। अक्की मैन इसको ओपन करके दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ये देखिए प्रिंगल्स के नाम पर आपको क्या बेचा जा रहा है इसके अंदर, आखिर है क्या, क्या है आखिर इसके अंदर तहकीकात, ये क्या चीज़ है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, ये क्या है? ये तो चिप्स लग रहे हैं मुझे, किस चीज़ के चिप्स हैं? आखिर कौन है ये, इस चिप्स के निर्माता आखिर कौन है? अब हम इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। पतला सा है बहुत, क्रिस्पीनेस तो है, थोड़ा थोड़ा लेज का जैसा फ्लेवर आ रहा है। आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? बस आवाज़ सुनते रहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्रिंगल्स का, जो प्रिंगल्स अनबॉक्सिंग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा आप लोग। ये देखिए, देख लिया होगा आप लोगों ने, इसी तरीके से चिप्स हैं ये बने हुए। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ अभी, क्या क्या है इसमें, आखिर इसमें क्या क्या डला हुआ है और ये क्यों इतना महंगा है। कुछ तो ये डिब्बे की, इसकी पैकेजिंग जो है, इसकी वजह से महंगा है, और तो कोई रीज़न होगा नहीं इसका। है तो अंदर से वही चीज़, इससे अच्छा लेस खा लो, सेम ही मेरे को तो वैसे ही टेस्ट लग रहा है लेस का जैसा, लेकिन शेप अलग है, लेस की अलग है, इसकी अलग है। ये देखिए ड्राई पोटैटो है, तो पोटैटो ही मतलब इसमें है। क्रीम वगैरह है, अनियन सीजनिंग, क्या क्या लिखा हुआ है, दुनिया भर की चीज़ें, फ्लेवर फ्लेवर। जाते जाते मैडम की वीडियो बना लेती हूँ, जा रही हूँ। हाँ, सफर मेरा पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ देहरादून, देहरादून जा रही हूँ। अच्छे से जाना, हमको याद करते रहना, हम भी आपको याद करेंगे। हाँ, और ये मैडम रहती हैं हमारी पड़ोस में, आप लोगों ने एक बार व्लॉग में देखा भी है इनको, और ये यहाँ से जा रही हैं अभी देहरादून। तो इनकी भी मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, तो इसको भी इसमें ऐड कर दिया है, तो ये देखे जा रही हैं। और इसी के साथ देखिए ये कौन जा रहा है, ये भी एक और कोई शख्स इस ट्रेन में जा रहा है, कौन जा रहा है या जा रही है ये आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा। कई लोग पसंद नहीं करते ना, कई लोग बनाना। चाय पीते हुए मेरे सब्सक्राइबर, आपको कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताओ। वीडियो तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हम पूरी देख नहीं पाए, घर पे जाके इत्मीनान से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू थैंक यू, देखना और लोगों को भी सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है? आप भी देखना, ठीक है? हाँ।
आप खाओ पहले, दिखाओ क्या खा रहे हो। आपके खाने की लेती कुछ बचे। आप लोग हल्द्वानी जा रहे हैं ना? आप कहाँ जा रहे हैं? आपने नहीं बताया, ये तो हल्द्वानी जा रहे हैं। हो जाता है। अब तो सीट खाली हो गई है लगभग। चाय वाली सीट थोड़ा डिस्कस करिए। स्टेशन में क्यों नहीं चाय पीते? आपकी चाय बीजी होती, काली होती, टेस्टी होती। ये इनके सवाल हैं चाय वाले के लिए कि चाय वाले, आपकी चाय टेस्टी क्यों नहीं होती है। कुल्लड़ वाली चाय थी, लेकिन रहती ऐसी ही थी क्योंकि एल्युमिनियम में लगा के वैसे तो मिट्टी की सौंधा पत्ती। हाँ, तो रहती ऐसी मिट्टी की स्मेल, मेरे को तो अजीब सी लगती है। तो पहलवान आए मुझे लेने के लिए। अभी बची होगी तो? हाँ। इतना भारी है बैग की, बेचारा परेशान हो गया। ये है लाल कोका रेलवे स्टेशन। तुमका पान भंडार किसका है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन में कहाँ जा रही है, कौन जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। तो आप लोगों का कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ अपने मायके। और मैं क्यों आई हूँ ये मैं आप लोगों को बताते चलूँगी बाद में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बने रहें मेरे साथ, और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। Bye-bye.